Assalamualaikum and welcome back to Audience Shorts. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ये वाली वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं आज बना रहा हूँ. बिकॉज मैंने कभी भी सीरियसली ये नहीं सोचा था कि फ़ोन्स की वीडियोग्राफी इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो DSLR और मिररलेस कैमराज के बराबर आ जाएगी. एक बात का मैं जिक्र कर दूं कि वीडियोग्राफी की बात और है और फोटोग्राफी की बात और है. इन फोटोग्राफी देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बहुत 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 फ़र्क है फ़ोन के कैमरास के अंदर और मिररलेस और DSLR कैमरास के अंदर. लेकिन वीडियोग्राफी इज़ अनदर स्टोरी. पिछले चंद महीनों में दो फोन्स ऐसे थे कि जिनकी वीडियोग्राफी स्किल्स ने काफ़ी लहरें पैदा की हैं. इनमें एक था नोट 20 अल्ट्रा जिसकी 8K वीडियोग्राफी ने काफ़ी सारी तादाद में लोगों को मुतासर किया. लेकिन अहम चीज़ असल में इसकी वीडियोग्राफी नहीं थी, अहम चीज़ थी इसकी वीडियो क्वालिटी और इसकी कलर कंप्रेशन. खैर वो एक डिफरेंट मौजू है, लेकिन बहरहाल दिस फोन रियली कॉज्ड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. इस रेस में दूसरा उम्मीदवार है जनाब iPhone 12 Pro Max. इस फोन के अंदर 8K वीडियोग्राफी की सलाहियत तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस फोन के अंदर मौजूद है H.265 HEVC दैट इज हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडेक, 10-bit वीडियो रिकॉर्डिंग और Dolby Vision HDR. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि डॉल्बी विजन HDR कभी किसी फोन के अंदर भी आ जाएगा. ये तो बहुत हाई एंड के प्रोफेशनल कैमरास के अंदर होता है. सो आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एनी गुड? इसका वाकई कोई मकसद है भी या नहीं है, कोई इस्तेमाल इसका वाकई है भी या नहीं है, या ये भी 50x zoom, 100x zoom, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, Note 20 अल्ट्रा के अलावा फोन्स की बात कर रहा हूँ, इन सब की तरह सिर्फ एक गिमिक है? इज इट रियली एनी गुड? ये वीडियो खास तौर पर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आजकल हाई एंड के फोन्स और कंज्यूमर और प्रोज्यूमर लेवल के कैमराज, इनकी कीमतें तकरीबन बराबर हो चुकी होती हैं. बाज़ूकात आपका दिल दोनों के ऊपर आया होता है कि यार मैं एक हाई एंड का फ़ोन भी ले लूँ और मैं एक प्रोज्यूमर टाइप का कैमरा भी ले लूँ, लेकिन बजट इसकी इजाज़त नहीं देता. सो आज की वीडियो में हम ऐसा ये करेंगे कि अगर आप अपना सिर्फ और सिर्फ फ़ोन ले लें तो इज़ इट इनफ फॉर योर वीडियोग्राफी? तो ढूंढना आज हमने ये है कि क्या आप अपने iPhone 12 Pro Max के कैमरे को एक प्रॉपर कैमरे के तौर पर वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट. एप्पल यूजुअली जब एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन इज़ जनरली वेरी गुड और की फीचर्स तमाम ऑलमोस्ट तकरीबन हमेशा सही तौर पर काम कर रहे होते हैं. लेकिन एक फ़ोन के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फ़ोन के कैमरे का सेंसर साइज़ कभी भी DSLR या मिररलेस कैमरे के सेंसर साइज़ के बराबर नहीं हो सकता. ऑब्वियसली इसका मुवाजा और मुकाबला आप अपने DSLR या मिररलेस कैमरा के साथ नहीं कर सकते. मेरे इस मिररलेस कैमरे का सेंसर साइज़ 35.8mm x 23.8mm है और ये मेरा iPhone है, iPhone 8. ये रहा जनाब इसका कैमरा. तो इसके कैमरे का सेंसर साइज कितना होगा? चंद मिलीमीटर, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स. अब चूंकि फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के पास इतनी जगह नहीं होती कि वो एक बड़ा सेंसर साइज अपने फ़ोन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें, तो उनके पास एक दूसरा तरीका होता है और वो ये होता है कि वो किसी भी तरीके से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें. इन केस ऑफ फोटोज़ दे यूज़ मल्टीपल एक्सपोजर्स. एक ही तस्वीर कई बार खींची जाती है. उन तस्वीर को इकट्ठा करके AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उनके एक्सपोजर को बराबर किया जाता है और आपको एक वेल एक्सपोज्ड फोटो दे दिया जाता है. अलबत्ता वीडियोज़ का मामला ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि फ़ोन के अंदर जितनी मर्जी कंप्यूटेशन पावर आ जाए, इनके अंदर अभी तक इतनी पावर नहीं आई कि वीडियो के हर एक फ्रेम को ये पहले मल्टीपल एक्सपोजर दें, फिर उन तमाम के तमाम फ्रेम्स को इकट्ठा करें और आपको एक वेल एक्सपोज्ड वीडियो दें. दैट इज़ नॉट येट पॉसिबल. इस कमी को पूरा करने के लिए हर मैन्युफैक्चरर अपना अपना तरीका इस्तेमाल करता है. AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाता है ताकि वो वीडियोज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स संभाल कर रखे. फ़ोन के कैमरास के मेगापिक्सल्स को बढ़ाया जाता है ताकि वो तफसीलात, वो डिटेल्स जो कि फ़ोन का छोटा सेंसर साइज कैप्चर नहीं कर पा रहा, ज़्यादा मेगापिक्सल्स उसको हासिल करने की कोशिश करें. इंटरनल फ्रेम इन्हेंसिंग, फोटो स्मूदिंग, शेडो अपलिफ्टिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं और अपनी इन्हीं टेक्निक्स की गेम को आगे बढ़ाते हुए इस बार एप्पल ने इम्प्लीमेंट की है Dolby Vision HDR. iPhone 12 Pro smashes the benchmark for highest quality video in a smartphone. First of all, it is mind-blowing from the word go. मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक फोन Dolby Vision HDR और 10-bit की कलर डेप्थ कैप्चर कर सकता है. But now that I am already using it, I must say that it is incredible. It's absolutely incredible. आपको पता है कि जब ये एप्पल ने लॉन्च किया था और एप्पल ने जब ये कहा था कि उनके फोन में Dolby Vision आ रहा है और HDR और 10-bit कलर डेप्थ आ रही है, what were my thoughts?
मैंने सोचा, मैंने कहा यार एप्पल लेना, इस बार अपनी बेइज्जती करानी है। और मुझे लग ही रहा था कि जैसे पेरिस्कोप कैमरा, 100x जूम, 50x जूम, 60 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, ये तमाम के तमाम सिर्फ एक गिमिक है। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू में लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार क्या चीज़ आ रही है फ़ोन के अंदर, लेकिन फिर वो किसी भी मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जाते। I thought it is going to be the same with Apple's Dolby Vision and HDR recording. Excited sab ho rahe hain, lekin mera khayal tha istemal kisi ne nahi karna. But I am glad to report, I am really glad to report that I was wrong. मैं गलत था। Now a little bit of lesson. आप अभी तक सोच रहे होंगे कि यार मैं Dolby Vision HDR की बात कर रहा हूँ, मैं 10 bit color depth की बात कर रहा हूँ, what are they? ये आखिर हैं क्या? मैं आपको जनाब आसान और सादा अल्फाज में explain कर देता हूँ। कैमरा कभी भी इंसान की आंख का मवाजना और मुकाबला नहीं कर सकता। आपकी आंख जो कुछ देख सकती है, जितना वाइड देख सकती है, जितनी डेप्थ में एक कलर को एनालाइज कर सकती है, जितना कंट्रास्ट देख सकती है, जितने शेडोज देख सकती है, आपका कैमरा उतने शेडोज, उतना कंट्रास्ट नहीं देख सकता। और ऑन टॉप ऑफ इट, आपके घर में जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इवन आपके फ़ोन की जो स्क्रीन्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आईफोन 8, इसकी स्क्रीन भी इस काबिल नहीं है कि एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा कलर डेप्थ को, एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा डायनेमिक रेंज को आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। आमतौर पर जो हर जगह पे स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हमारे टेलीविजन में भी, कंप्यूटर्स में भी, फोन्स की स्क्रीन्स के ऊपर भी, दैट इज REC 709। REC 709 क्या है जनाब? REC 709 ये है कि REC 709 एक वीडियोग्राफी का स्टैंडर्ड है। इसका वजूद बेसिकली इसलिए आया, स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, यूनिफिकेशन होनी चाहिए कि सबके सब डिस्प्ले एक तरह का इमेज प्रेजेंट करें। वो स्टैंडर्डाइजेशन और वो यूनिफिकेशन REC 709 कहलाती है। आपकी स्क्रीन का जो डिस्प्ले है, वो आपको जो इमेज दिखाएगा, जो वीडियो दिखाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा 100 nits तक ब्राइट हो सकता है, इससे ज्यादा वो ब्राइट नहीं हो सकता। इसी चीज को आमतौर पर SDR भी कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज। स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज के अंदर आप जब इमेज का हिस्टोग्राम देखते हैं या इसका वेवफॉर्म देखते हैं, तो 0 मींस इट्स कंप्लीटली डार्क, 100 मींस इट्स कंप्लीटली ब्राइट, यानी कि 0 पे हर चीज बिल्कुल काली स्याह हो जाएगी, आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, और 100 के ऊपर आपको हर चीज इतनी ब्राइट हो जाएगी कि वो सबकी सब आपको बिल्कुल चिट्टी सफेद नजर आएगी, जिसको कहते हैं बिल्कुल सफेद। और आपका पूरा का पूरा इमेज जो होता है, चाहे वो फोटो के अंदर हो या वीडियो के अंदर हो, लेकिन अगर वो REC 709 में शूट किया जा रहा है, तो वो 0 से लेके 100 nits की इस ब्राइटनेस के टेबल के दरमियान में होता है। इन केस ऑफ HDR, इमेज की ब्राइटनेस जो है वो 100 nits को क्रॉस कर सकती है, इट कैन गो अप टू 10,000 nits। और अगर हम उस स्टैंडर्ड की बात करें जो कि एप्पल ने इंप्लीमेंट किया है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज Dolby Vision HDR, इस केस में आपके इमेज की ब्राइटनेस 500 nits को टच करती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपका जो इमेज होगा वो आपके नॉर्मल इमेज से 5 गुना ज्यादा ब्राइट होगा। नजर वो आपको तब भी आएगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको ऐसा डिस्प्ले चाहिए होगा जो कि आपको HDR वीडियो दिखा सके। अब नेचुरली आपका अगला सवाल ये होगा कि ये 10 बिट कलर डेप्थ क्या है। यूजुअली आपका जब इमेज REC 709 में होता है, तो चाहे वो इमेज हो चाहे वो वीडियो हो, 16 मिलियन कलर उस पिक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, उस वीडियो के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं Dolby Vision HDR की, तो ये इतनी कैपेबल है कि इसके अंदर 700 मिलियन कलर हो सकते हैं, 700 मिलियन कलर। आप सोचेंगे इसका फायदा 700 मिलियन रंगों का क्या करना है? वो इमेजेस जिनके अंदर कंट्रास्ट ज्यादा होता है, आपका सनसेट, सनराइज, समंदर को जब आप कैप्चर कर रहे होते हैं, स्काई को जब आप कैप्चर कर रहे होते हैं, एक लाइट को जब आप कैप्चर कर रहे होते हैं, जैसे मेरे पीछे यहाँ पे ये टील सी लाइट है जली हुई है, जब यही लाइट आपको REC 709 में नजर आएगी, तो उसके अंदर बैंड नजर आ रहे होंगे डिफरेंट। और जब यही लाइट आपको HDR में नजर आएगी, तो आपको बैंड नजर नहीं आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन नजर आ रही होगी फ्रॉम द ब्राइटेस्ट पॉइंट टू द डिमेस्ट पॉइंट ऑफ दिस कलर। अगेन बात फिर वहीं पर आ गई। आप बोलेंगे जी हमारे तो मॉनिटर्स REC 709 में डिस्प्ले कर रहे हैं, हमारी वीडियोस जो चल रही हैं वो REC 709 में है, हमारा टीवी जो चल रहा है वो REC 709 में है, तो हमने HDR10 Dolby Vision का अपने सर में मारना है। फायदा इसका ये है जनाब कि जब आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट करते हैं किसी भी फोन से, मैं इस आईफोन 8 की फुटेज इंपोर्ट करूँ, तब भी मेरे पास खेलने का मैदान बहुत कम होता है। वीडियो के अंदर एक तो डिटेल्स लिमिटेड हैं, मैं ज़्यादा उनको इन्हांस और उनको सप्रेस नहीं कर सकता, खासतौर पे मैं इन्हांस करूँगा वीडियो ब्रेक का पार्ट हो जाएगी। इसके अंदर कलर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, एंड सेकेंडली द कोडेक जो कि फोन्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूजुअली H.264। आप अगर इसको ज़्यादा ग्रेड करेंगे, इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसके साथ ज़्यादा आप खेलने की कोशिश करेंगे, तो यू कैन नॉट गो वेरी फार। बट इफ़ योर वीडियो इज़ इन Dolby Vision HDR, तो आपको प्ले ग्राउंड का साइज़ जो है ना वो फिर बड़ा हो गया। पहले अगर आप इतना सा काम कर सकते थे वीडियो के ऊपर इन केस ऑफ कंट्रास्ट डेवलपिंग और ग्रेडिंग और एवरीथिंग, अब आप इतना काम कर सकते हैं। और ये वीडियो आप जब अपनी टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो लाजमी नहीं है कि आप इसको HDR में ही एक्सपोर्ट करें, लाजमी नहीं है, आप इसको SDR में एक्सपोर्ट कर दें, लेकिन आपकी जो वीडियो क्वालिटी HDR से कलर ग्रेड,
कलर करेक्ट करने के बाद एसडीआर में ट्रांसलेट होकर आगे व्यूअर को नजर आएगी, वो क्वालिटी ही डिफरेंट होगी। आप जब अपनी एसडीआर वीडियो को इंपोर्ट करेंगे अपनी टाइमलाइन के अंदर, तो आपको शुरू में थोड़ी सी ऑफ लगेगी, आपको लगेगा यार थोड़ी सी ऑफ है, अजीब से कलर्स आ रहे हैं, अजीब सा कंट्रास्ट आ रहा है, लेकिन बी रेस्ट अश्योर्ड पूरी की पूरी डिटेल, सारी की सारी तफसीलात उस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्ट ऑन ग्रेडिंग, स्टार्ट ऑन कलर करेक्टिंग, और आप सरप्राइज हो जाएंगे, एटलीस्ट आई एम सरप्राइज कि यार किसी फोन की फुटेज को मैं इतना भी पुश कर सकता हूँ। आई हैव मिररलेस कैमराज एंड दे आर रियली फैंटास्टिक, और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फोन की ऐसी फुटेज है कि जिसको मैं अपने कैमराज की फुटेज से ज्यादा पुश कर रहा हूँ, और वो स्टिल दे आर इंटैक्ट, दे आर होल्डिंग एंड दे आर रियली डूइंग गुड। जनाब अब एक मजे की बात, अपनी पिछली चंद वीडियो से जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें अपने आईफोन को भी यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग माई आईफोन एक्टिवली। अभी तक किसी ने यह पॉइंट आउट किया, किसी को अंदाजा हुआ कि इस वीडियो के अंदर जो है वो आईफोन की फुटेज भी शामिल है? किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ। एंड फॉर व्हाट इट्स वर्थ, इस वक्त मेरा जो आज की वीडियो का मेन कैमरा है, ये जो कैमरा आपको मेरे सामने नजर आ रहा है जिसकी तरफ मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये कैमरा नहीं है, ये आईफोन है। मेरा असल में जो मिररलेस कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये रहा, दिस इज माई मिररलेस कैमरा Alpha 7C। आप इस फुटेज को, इस वीडियो को देख के आप ये कह सकते हैं कि ये फुटेज जो है वो आईफोन से ली गई है? मैं आपको ना बताऊं तो आप नहीं कह सकते। That is so good they are। आप आज की वीडियो के कमेंट्स में वैसे मुझे एक बात ये बताइएगा जरूर कि आज जब ये वीडियो शुरू हुई थी तो क्या आपको अंदाजा हुआ था कि आज जो मेन कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ वो कैमरा नहीं है बल्कि आईफोन है? हर कैमरे की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, एवरी कैमरा हैज अ लिमिटेशन, नो कैमरा इन दिस वर्ल्ड इज अ परफेक्ट कैमरा। मेरे इस Alpha 7C की अपनी लिमिटेशंस हैं, DJI Mavic 2 Zoom की अपनी लिमिटेशंस हैं, हीरो GoPro इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, iPhone 8 इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, iPad का कैमरा इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो नेचुरली iPhone 12 Pro Max की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। एक अच्छा वीडियोग्राफर वही होता है जिसको अपने कैमरे की, अपने फ़ोन्स की, अपने गेयर की लिमिटेशंस का अंदाज़ा होता है, जिसको ये पता होता है कि यार मैं इस चीज़ को कितना पुश कर सकता हूँ। उन लिमिटेशंस को एक अच्छा वीडियोग्राफर अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि iPhone 12 इज़ द परफेक्ट कैमरा इन द वर्ल्ड, तो दैट स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज इट इज़ नॉट। Usually, generally, in good lighting conditions, in normal lighting conditions, and even if it's a little bit dark as well, this phone performs better. This phone performs good. और दूसरी इसके साथ important limitation ये आ जाती है कि you will be stuck with the 3 lenses. तो जनाब सवाल फिर वहीं पे, क्या आप अपने iPhone 12 Pro Max को as a main shooting camera use कर सकते हैं? अगर आप एक YouTuber हैं, आप एक normal consumer हैं, लो एंड के प्रोज्यूमर हैं, येस बाई ऑल मीन्स यू कैन डू दैट, स्पेशली इफ यू आर मेकिंग द वीडियोज फॉर स्मॉल स्क्रीन्स। लेकिन अगर आप हाई एंड के प्रोज्यूमर हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं, देन आई थिंक योर फंक्शनैलिटी विल बी लिमिटेड। आप कुछ सीन्स में, कुछ शॉट्स में, कुछ जगहों पर आप अपने आईफोन को बाई ऑल मीन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर आप यूज नहीं कर सकते। जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मैं अपने iPhone 12 Pro Max की जो HDR वीडियो है Dolby Vision वाली, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो कि मैंने डाली हुई है Google Drive के ऊपर। आप उसको देखिएगा ज़रूर, एटलीस्ट वंस, यू जस्ट हैव अ लुक एट वंस, और मुझे फिर बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, या तो आपका डिस्प्ले ऐसा हो जो कि HDR को डिस्प्ले कर सके, या आप ऐसा ब्राउजर यूज़ कीजिएगा और ऐसा वीडियो प्लेयर यूज़ कीजिएगा जो कि HDR वीडियो को प्ले कर सके, क्योंकि कोडेक H.265 HEVC यानी कि हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडेक, 10-bit कलर डेप्थ और HDR Dolby Vision वीडियोज, हर प्लेयर के बस में नहीं है ये वीडियो प्ले करना। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प अ फ्यू पीपल एटलीस्ट ये डिसाइड करने में कि उनको एक मिररलेस कैमरा या उनको DSLR लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या दे कैन स्टिक विद देयर आईफोन्स। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। दिस इज ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद निसार। अल्लाह हाफिज़।